रेयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रद्युमन ठाकुर की हत्या के मामले में हरियाणा सरकार के मंत्री राव नरवीर सवालों के घेरे में आ गए हैं। दरअसल प्रद्युमन की हत्या के बाद से ही राव नरवीर इस मामले में बयानबाजी करते आ रहे हैं। प्रद्युमन की हत्या के बाद 9 सितंबर को जब राव नरवीर उसके घर पहुंचे, तो वहां से निकलते वक्त राव नरवीर ने कहा था कि हर मामले की जांच सीबीआई नहीं करती। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि पुलिस सही जांच नहीं करेगी तो सीबीआई से जांच कराई जाएगी। बहुत से लोगों ने मांग की दाग के समय जब मैं गया कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। हर केस की आजकल एक टेंडेंसी चल गई कि सीबीआई की इंक्वायरी आम लोग मांग करते हैं। मैंने कहा कि आपकी सरकार हरियाणा सरकार की पुलिस द्वारा जो इंक्वायरी की जाएगी उससे तसल्ली नहीं होगी, उसके बाद मैं करूंगा। मैं दोबारा फिर आपके बीच में आऊंगा, यदि आपकी तसल्ली नहीं होगी फिर बात करेंगे। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इनकी पूरी इंक्वायरी, इनके घर वालों की तसल्ली इंक्वायरी में हो जाएगी। प्रद्युमन के परिवार की सीबीआई जांच की गुहार के बाद मामले ने तूल पकड़ा तो इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने अपनी जांच में खुलासा करते हुए जब स्कूल के ही 11वीं के छात्र को मामले में आरोपी बनाया तो 9 नवंबर को राव नरवीर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि सीबीआई की थ्योरी मेरी समझ से परे है। हाँ, मुझे आश्चर्य हुआ और दिली तौर पर ये दुख भी लगा, और मैं ये मानता था कि जो हमारी पुलिस ने इंक्वायरी की वो ठीक है। लेकिन आश्चर्य कल जब देखा कि वो एक लड़का जो 11वीं क्लास में पढ़ता उसने किया है, बात तो मेरे को तो आज भी हजम नहीं हो रही। सही बात तो ये, लेकिन यदि सीबीआई ने किया है, क्योंकि सीबीआई वाले भी आदमी होते हैं, पुलिस हरियाणा पुलिस में भी आदमी थे, मैं फिर कहूंगा कि इसमें निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। आम आदमी के गले उतरना चाहिए कि आखिर कातिल है कौन। बिल्कुल, मामले में राव नरवीर ने सफाई देते हुए कहा कि मेरा आरोपी छात्र के परिवार से कोई लेना देना नहीं है और मैंने सीबीआई जांच के लिए कोई अड़ंगा नहीं लगाया। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि सीबीआई की चार्जशीट में प्रद्युमन की हत्या का पूरा सच सामने आएगा। प्रद्युमन मामले पर हरियाणा के मंत्री राव नरवीर सिंह का बयान, आरोपी छात्र के परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने सीबीआई जांच के लिए कोई अड़ंगा नहीं लगाया, विपक्ष के आरोपों को बताया राजनीतिक साजिश। प्रद्युमन मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खट्टर सरकार पर साधा निशाना, जांच के मामले में गंभीर नहीं सरकार, खट्टर सरकार का लचर रवैया आया सामने। हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में 7वीं यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम को अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलने के मामले में डेरा सच्चा सौदा के पूर्व साधु गुरदास सिंह तूर ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। गुरदास सिंह तूर ने कहा कि राम रहीम के साथ भी दूसरे कैदियों जैसा ही बर्ताव होना चाहिए और अगर उनको जेल में सुविधाएं मिल रही हैं तो इस मामले में जज साहब को जांच करवानी चाहिए। राय स्पोर्ट्स स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद फरोख्त में हुई गड़बड़ियों की जांच की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक जयतीर्थ दहिया ने हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी को लिखा पत्र। दहिया ने लगाया आरोप कि राय स्पोर्ट्स स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद फरोख्त पर कैग ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि इस मामले में उचित कार्रवाई करें। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा पर साधा निशाना, साथ ही अनिल विज ने जाट समुदाय पर भी निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा खट्टर सरकार पर घोटाले के लगाए गए आरोपों को नकारते हुए विज ने कहा कि हमने तो नहीं सुना कि कोई घोटाला हुआ हो, लेकिन पूर्व की हुड्डा सरकार में सीएलयू भर्ती और नौकरी कांड रोज सुनने को मिलते थे। प्रदूषण लगातार खतरे के निशान से आगे बढ़ रहा है, इसके बावजूद फतेहाबाद में किसानों ने कई जगहों पर पराली को जलाया, पराली जलाने से बिगड़े हालात, विजिबिलिटी हुई शून्य। बढ़ती धुंध की वजह से लगातार सड़क हादसे बढ़ रही हैं। अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर हिमाचल पथ परिवहन निगम के कुल्लू डिपो की बस एक ट्रक से जा टकराई, हादसे में बस चालक की मौत और बस का कंडक्टर घायल, पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई में जुटी।